दोस्तों कभी कभी आपके साथ भी ऐसे होता है, जो भी आपका फ़ोन का पैटर्न लॉक थे आप पैटर्न लॉक भूल गए हो, और जो पैटर्न लॉक आप डाल रहे हो वो पैटर्न लॉक आपको याद नहीं आ रहा है। तो उस टाइम आप क्या करते हो, किसी मोबाइल दुकान पे जाते हो सॉफ्टवेयर डलवाने के लिए, और सॉफ्टवेयर डालने से आपको 200-300 जिसको जितना होता है उतना रख देता है। तो आज बताऊँगा, अगर आप फ़ोन का पासवर्ड भूल गए हो और फ़ोन हैज़ बीन ब्लॉक्ड बता रहा है ट्राई अगेन इन 24 सेकेंड, फिर आप ट्राई करते रहते हो, फिर ट्राई अगेन इन 5 मिनट होता है, फिर ट्राई अगेन इन 60 मिनट होता है, या इस तरह से हो जाता है। दोस्तों अगर आप भी आपका फ़ोन का पासवर्ड या पैटर्न भूल गए हो, तो भूल जाने के बाद भी आप आपके फ़ोन को कैसे अनलॉक कर सकते हो इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करके शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके ही सर्वसरल ऐप्स अपडेट में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए सबसे पहले आप आपके फ़ोन को इस तरह से यह पावर बटन जो है, सिर्फ पावर बटन पे दबा के रखो, फिर आपका मोबाइल इस तरफ से आएगा, एरोप्लेन मोड, साइलेंट और पावर ऑफ। पहले आपको पावर ऑफ पे क्लिक कर देना है, फिर आपका फ़ोन जो है पावर ऑफ हो जाएगा। पहला ट्रिक आपको ये करना है, पावर ऑफ करना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, मोबाइल का जो वॉल्यूम बटन है, देखो जो वॉल्यूम बटन अप और डाउन और ये होता है पावर बटन, तो आपको करना क्या होगा, वॉल्यूम बटन अप और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना होगा। देखो ये पावर बटन है और वॉल्यूम बटन अप, दोनों को एक साथ में इस तरह से पकड़ के रखना होगा। और जैसे ही पकड़ के रखोगे, इस तरफ से होल्ड करके रखोगे अप और वॉल्यूम बटन, और आपको 10-20 सेकेंड तक आपको इस तरह से होल्ड करके रखना है। तब तक होल्ड करना है जब तक कोई वाइब्रेट ना हो आपके फ़ोन में, और जब वाइब्रेट हो जाए तब पावर बटन छोड़ देना है। जैसे कि अभी देख सकते हो मैं पूरी तरह से, ये देखो वाइब्रेट हुआ और मैं वॉल्यूम बटन पावर बटन को छोड़ दिया। और फिर आपको रेड में यहाँ पे लिखा रहेगा आपके फ़ोन में जो भी फ़ोन होगा, फिर वॉल्यूम बटन जो आप है वो दबा के रखना होगा, फिर जाके यहाँ पे मेन मेनू दिखाएगा रेड में रिकवरी, देख सकते हो मेन मेनू तभी आएगा। और ये जो है पहला आएगा रिबूट, दूसरा आएगा वाइप डाटा, तीसरा आएगा कनेक्ट विथ MI असिस्टेंट। तो आपको ये जो ऊपर से नीचे करने के लिए वॉल्यूम बटन डाउन करना होगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर यहाँ पे मेन बटन जो पावर बटन है इसको करोगे तो ये काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ये जो रिबूट होगा, रिबूट को नीचे आना होगा, इसको वॉल्यूम बटन से, फिर वाइप डाटा होगा, उसके बाद पावर बटन को प्रेस करना होगा। कर देने के बाद इस तरह से बैकअप वाइप ऑल डाटा, ये जो है वाइप ऑल डाटा पे आपको क्लिक कर देना होगा, फिर यहाँ पे कैंसिल और कॉन्फर्म, फिर आपको इसको नीचे आके कॉन्फर्म कर देना होगा इसी बटन से, फिर कॉन्फर्म कर दोगे। जैसे ही कॉन्फर्म पे क्लिक कर दोगे, फिर ये पूरी तरह से 1 से लेके 100% तक पहले कॉन्फर्म होगा, ये बैकअप लेगा, ठीक है। और फिर डाटा वाइप्ड सक्सेसफुली दिखाएगा। उसके बाद अभी आपको ये जो बैक टू मेन मेनू होम बटन प्रेस बटन पे दबा देना होगा। उसके बाद आएगा रिबूट, तो रिबूट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रिबूट टू सिस्टम, तो इसमें आपको क्लिक कर दो। उसके बाद देखो आपका फ़ोन जो है पूरी तरफ से आपका फ़ोन रिबूट होगा। रिबूट होगा मतलब कि आपका फ़ोन का जो भी लॉक था, जो पासवर्ड था, वो पासवर्ड सब कुछ यहाँ से हट जाएगा, बिल्कुल मोबाइल नया हो जाएगा। जैसे कि अभी देख सकते हो रिबूट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम आपको इंतज़ार करना होगा, यहाँ पे टाइम लग सकता है। फिर ये देखो MIUI इस तरफ से होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो जो कि इस तरफ से आया है, तो यहाँ पे URL और फिर इसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद देख सकते हो जो नया फ़ोन लेते हो इस तरफ से होगा, फिर इंडिया सेलेक्ट करना होगा, फिर आपका फ़ोन यहाँ पे यूज़र एग्रीमेंट आएगा, आपको आई हैव एग्री, इसमें क्लिक कर देना होगा। और कर देने के बाद फिर देख सकते हो यहाँ पे स्किप कर दो, फिर यहाँ पे जैसे स्किप कर दो, फिर कनेक्टिंग दिस मे टेक ए फ्यू मिनट्स, मोबाइल खुल जाएगा। इस तरफ से स्क्रीन लॉक, मैं स्किप दिस स्टेप, स्क्रीन लॉक नहीं करूँगा अभी, क्योंकि स्क्रीन लॉक की वजह से मेरा फ़ोन को इस तरह से रीसेट करना पड़ा। फिर यहाँ पे क्लासिक ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये करके सेटअप कंप्लीट हो चुका है और यू आर रेडी टू रॉक, इसमें क्लिक कर दो। क्लिक कर देने के बाद देख सकते हो लोडिंग ऐप्स, और यहाँ पे देख सकते हो इसी लोडिंग ऐप्स पे जो है आपको इंतज़ार करना होगा। उसके बाद देख सकते हो जो कि आपका जो फ़ोन है बिल्कुल नया हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो आपका फ़ोन है बिल्कुल नया हो चुका है। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे मैं स्क्रीन को ऑफ़ किया, ऑफ़ कर देने, अभी देखो फ़ोन में स्क्रीन लॉक नहीं होगा, लेकिन मोबाइल फिर से खुल गया है। तो आपको मैंने आपका 500 रुपीज़ मैंने बचा लिया। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैं आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से इसी सेटिंग से आप ध्यान से करना होगा आपको, और जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करना है। उसके बाद जो है आपका फोन का जो भी पासवर्ड पैटर्न आपने डाला था, वो आप बिना कहीं पे जाके बिना सॉफ्टवेयर डाले आप आपके फोन पे इसी तरह से आप जो है उसको अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो से थोड़ा भी हेल्प लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और
चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना वो ऑल बेल पे दबा के जरूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले दिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।